तो इस बार जब मैं अपने होम टाउन अयोध्या के लिए निकला तो मैंने सोचा कौन सी गाड़ी लेके चलूँ। तो मुझे लगा कि सब कुछ चलाया है तो एक बार क्यों ना MG की हेक्टर को लेके आएँ। तो मैं इस गाड़ी को लेके चला और वहाँ से निकलने के बाद में मैं गया इलाहाबाद। इलाहाबाद से अब पहुँचा हूँ अयोध्या और अब तक जो दूरी तय की है वो है लगभग 1200 किलोमीटर की। और अभी मैं जो खड़ा हूँ ये है राम की पैड़ी अयोध्या, पुण्य नगरी बोल सकते हैं, क्योंकि आज कल बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है अयोध्या। और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपका बजट 20 लाख रुपए तक का है और MG हेक्टर के बारे में आप सोचते हैं तो पूरी दुनिया को कनेक्ट करती इस गाड़ी में क्या है खास। तो 5 फीचर्स एक्सप्लोर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अयोध्या जैसे शहर में इस गाड़ी को लेकर आते हैं तो वहाँ पर क्या आपको लोग मुड़कर देखते हैं और क्या वहाँ की गलियाँ ये आराम से पार कर जाती है। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही अलग होने वाला है। तो दोस्तों जब बात आती है MG हेक्टर की तो आपको समझ में आने लगता है कनेक्टेड कारों की बात, क्योंकि इंटरनेट इनसाइट की बात की जाती है हेक्टर में। तो जब आप हेक्टर में बैठेंगे ना तो आपका मन करेगा क्या सच में ये गाड़ी बात करने पर आपकी बात सुनती है। तो आइए ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि आपके सामने ही ट्राई करूँगा तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो पाएगा और कौन कौन से फीचर्स आप एक्सेस कर सकते हैं अपने वॉइस कमांड से ये जानते हैं। तो शुरू करते हैं और इस MG को बुलाते हैं, एक बार आवाज़ लगाते हैं। हेलो MG, आई एम हियर। थोड़ा वक्त लगाया बट सुन लिया। ओपन द सनरूफ। तो आपकी बात मानी इसने एक बार, एक कमांड थोड़ा सा इसको समझने में वक्त लगा, लेकिन देखिए आप क्या हुआ पीछे, ये सनरूफ ओपन हो गया है तो ये अच्छा लगेगा। और क्या क्या होगा वो भी दिखाता हूँ। हेलो MG, हाय, हाउ कैन आई हेल्प। ओपन द ड्राइवर साइड विंडो। ओके, विंडो ऑन ड्राइव साइड इज ओपन। तो ऐसे करके आप इसमें कई सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हो, जिसमें कि बहुत सारे वो कनेक्टेड फीचर्स हैं जो आप घर बैठकर भी इस्तेमाल कर सकते हो इस गाड़ी में। और ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी क्योंकि ये आपकी बात समझती है। हो सकता है एक आध बार ये मिस कर दे, लेकिन जब आप कोशिश करते रहोगे समझाने की तो समझने में वक्त नहीं लगाएगी। आप बोल कर ही म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हो और साथ ही इसकी इसमें आपको जो सामने और चीज़ें मिल जाती हैं उसका भी जिक्र करता चलूँ, वो है 360 डिग्री कैमरा। मतलब दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ वो है 360 डिग्री कैमरा। जब आप अयोध्या जैसे शहर में होते हैं जहाँ पर बहुत सकरी गलियाँ होती हैं उसमें निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये कैमरा आपको बहुत मदद करता है। और ये अयोध्या के लायक है क्योंकि यहाँ की गलियों को समझ लेती है और वहाँ से निकल जाती है ज़्यादा परेशान किए बगैर, और गाड़ी में स्क्रैच भी नहीं आता। उसका श्रेय जाता है इसके 360 डिग्री कैमरे को। तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से मैं अयोध्या से जो निकल रहा हूँ और ये मुझे सपोर्ट कर रही। तो दूसरी बात ये आपको इसमें बहुत अच्छी लगने वाली है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका रियर सीट का कम्फर्ट और वो आपको समझ में आएगा मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी जगह मिलने वाली है। तो इस सेगमेंट की अगर और गाड़ियों से इसे कंपेयर करके देखेंगे तो इसमें आपको सबसे बढ़िया स्पेस मिलने वाला है और जो स्पेस की क्वालिटी है वो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ज़्यादा जस्टिफाइड लगेगी। और वो क्या है वो दिखा देता हूँ। जब आप बैठेंगे तो आपको कुशनिंग बहुत अच्छी मिलने वाली है, ये जो सीट पर आपको स्टिचिंग मिलेगी बहुत प्रीमियम अंदाज इसमें देती है। साथ ही यहाँ पर दरवाजे पर आप पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं, दोनों दरवाजे पर जगह दी गई है। और यहाँ पर आपको रियर AC वेंट मिल जाता है, यहाँ पर्स रख सकते हैं और यहाँ पर एक सॉकेट मिल जाता है जहाँ पर आप मोबाइल चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं। साथ ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। और सिर्फ यही नहीं, तीन आपको हेडरेस्ट मिलते हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा लग्जरी चाहिए, बहुत ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, सिर्फ दो लोग बैठे हो या अकेले बैठे हो तो यहाँ पर एक काम करिएगा, ये खोल लीजिएगा और यहाँ पर आपको कप होल्डर के साथ में आर्मरेस्ट मिल जाता है और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फबने वाली है। साथ ही इसमें इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम दिया गया है तो उसके लिए क्या करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर चले जाइएगा, मेरे instagram.amit.dwivedi सुन के जरूर जाइएगा। तो जब आप पीछे सीट पर बैठ कर चल रहे होंगे, किसी ड्राइवर से आप गाड़ी चलवा रहे होंगे तो आपको मज़ा आएगा। जब आप इतनी लंबी की दूरी, जितनी लंबी दूरी यात्रा मैं कर रहा हूँ, जितना अब तक ड्राइव कर चुका हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करोगे क्योंकि बहुत ही साइलेंट केबिन है और यहाँ पर बैठकर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो शहर में अगर ड्राइविंग की बात करें तो आपको बता दूँ अयोध्या में जो आपको गलियाँ मिलती हैं बहुत सकरी छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो वहाँ से निकलने में आपको इसकी 2-3 चीज़ें बहुत ही सपोर्ट करती हैं। और यहाँ पर अभी रास्ते बहुत खुदे हुए हैं तो जो सस्पेंशन का जो सेटअप है वो ऐसा लगता है जैसे यहाँ के लिहाज से बना हुआ है।
तो बाहर का जो बम्प है आपको पता नहीं चलता है और आप आराम से उस रास्ते को पार कर लेते हैं। कई सारे ऐसे पैचेस मुझे अयोध्या में मिले, रास्ते बहुत सकरे हैं, तो जब आप वहाँ से गुजर रहे होते हो तो हाँ, जो इसका 360 डिग्री कैमरा है वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। और आप छोटे से छोटे जगह से जहाँ पर लगता है कि गाड़ी नहीं निकल सकती, वहाँ से भी इसको निकाल लेते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। क्योंकि अगर आपने अयोध्या देखा है या देखने आने वाले होंगे, तो आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि अगर एक गली में आप चल रहे हैं और सामने से कोई और गाड़ी आ रही है, तो दूसरी गाड़ी के लिए कोई जगह नहीं बचती, बहुत कम स्कोप बचता है। लेकिन इस जगह पर जब दो गाड़ियां आपस में एक दूसरे को पार कर रही होती हैं और आप उस गाड़ी को देखने के बजाय इसके कैमरे पर नज़र रखते हैं, तो वहां पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अंदर आ जाता है। इस हेक्टर का माइलेज भी आपको बहुत ही प्रभावित करेगा, क्योंकि जो मुझे अब तक मैंने चलाया है, मुझे करीबन 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच का माइलेज मुझे अभी तक मिला है। हालांकि मैं अभी तक पूरी जर्नी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाया हूं, इस वीडियो को मैं क्लोज़ कर रहा हूं अयोध्या में, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि मुझे इतना माइलेज मिला है। लेकिन जब ओवरऑल इसका माइलेज निकालूंगा तो मुझे लगता है कि ये और भी इम्प्रेसिव हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी MG हेक्टर और मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी क्यों है ख़ास और मैं इसे लेकर आया अयोध्या। अयोध्या कई मायनों में खास है और आपने देखा कि यहाँ की जो गलियाँ हैं वहाँ से भी ये निकल गई, तो ये आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जो इसमें टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसका इस्तेमाल किया गया है, उसके सहारे आप कहीं से भी निकल सकते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ रह गया कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर चले, मेरा इंस्टा हैंडल है @amit.dwivedi, सवाल करिए, सारे जवाब पाइए।